हमने पालक ली है और रफली काट लिया है। मैं बनाऊंगी जो रेसिपी वो एकदम सिंपल कि फटाफट हम बना सकें, ऐसा बना रही हूँ। चाहे तो आप अच्छे से खाली पत्तियाँ लेकर उसको बॉईल करके बना सकते हैं, पर हम ऐसा बनाएंगे इजी फटाफट बन जाए। तो हमने पालक ले लिया, अच्छे से धो लिया है और उसको काट लिया है और डंडी वगैरह सब कुछ रखा है, कोई भी चीज़ में से वेस्ट नहीं होने देंगे, सभी चीज़ हम यूज़ कर लेंगे। और अब आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा पीनट सिंगदाना रखा है, मूंगफली जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको गुजरात में सिंगदाना, अपने यूपी बिहार इधर जो है मूंगफली, और इंग्लिश में तो बताइए पीनट बोलते हैं सबको। और आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट होने के बाद इसका हम छिलका निकाल लेंगे। और ये देखिए चटकने लगा है, ये और हमारा हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। और हमारा पीनट ठंडा हो गया है, इसको जो है हम इसमें निकाल लेंगे जार में। ये पीनट हो गया और हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बेसन। और एक चम्मच जितनी वाइट तेल। और साथ में हम लेंगे कुछ लहसुन और हरी मिर्च। अब हम इनको पीस लेंगे और ये हमारा पीस जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, दो चम्मच जितना। और इसको हम पीस लेते हैं। इन थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा डाल के पानी एक चम्मच जितना हम और पीस देंगे ताकि अच्छे से महीन इसका बन जाए। और ये देखिए जैसा हमें पेस्ट चाहिए, इसमें कम से कम ऐसे चार चम्मच पानी लगा। इसमें हमने लिया है बेसन, रोस्टेड मूंगफली और वाइट तिल, हरी मिर्च और लहसुन। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। यह हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए और हमने यहाँ पे ऑयल लिया है जो कि सरसों का है। आप जो खाते हो वो यूज़ कर सकते हैं, वैसे सरसों के तेल में बनाइए तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये इसको हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा हम हाई फ्लेम पे रखें और जैसे ये गर्म हो जाएगा हम इसको लो फ्लेम पे करके मसाले डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा जैसे चटकेगा जीरा चटकने लगा, इसमें हम डालेंगे हींग। और हींग हमारी हो जाएगी, अब इसमें हम काट लहसुन छोटे छोटे कटे हुए डालेंगे और इसको अच्छे से हम लाल होने देंगे। ये अच्छे से लाल हो जाएगा, फिर हम इसमें एक प्याज लिया है उसको छील के मैंने महीन महीन काट लिया है और उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। हमारा लहसुन लाल होने लगा है, ये छोटी प्याज है मीडियम से थोड़ी सी छोटी, और इसको भी हम इसको भी अच्छे से भूज लेंगे लाल होने तक। और जैसे ये थोड़ी सी लाल हो जाए, थोड़ी क्या अच्छी खासी लाल करना है हमें,
और ये जब तक हमारा प्याज हुआ है हो रहा है, हमने एक टमाटर लिया है, इसको छोटा छोटा महीन महीन काट लिया। आप चाहें तो पीस के भी ले सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि फटाफट बन जाए, ऐसी रेसिपी बनाऊँ लंच वंच में देने के लिए, लंच बॉक्स में, टिफिन में, फटाफट बन जाता है। जो प्रोसेस है इसी में लग रहा है, बाकी अभी आगे फटाफट होंगे। अब यहाँ का प्याज यहाँ आँच कम कर देंगे और धीरे धीरे पकाएंगे इसको, और टमाटर गल जाए इसलिए हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक डालने से जल्दी गल जाएगा। और इसको जलाते जलाते थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे ताकि टमाटर गल जाए, और यहाँ जल्दी पक जाए इसलिए हम इसे ढक के पकाएंगे। और ये हम कम आंच पे पका रहे हैं, और इसको ये गल जाए अच्छे से टमाटर, तब तक इसको हम भूजेंगे। अभी हम एक दो बार और चलाएंगे ढक के। और हर बार प्रेस कर करके इसको, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और ये हमारा हो चला है। अब हमने जो पेस्ट बनाया है उसको डालेंगे, जिसमें हमने मूंगफली, वाइट तिल, हरा लहसुन, हरा मिर्चा सॉरी, और लहसुन ये सब डाल के और 4 चम्मच पानी डाल के पीसा है, और थोड़ा सा ये जार में पानी डाल के भी हमने मिला लिया, और इसे भी डाल के अब हम मीडियम आंच पे, अभी तक हम लो आंच रखे थे अब मीडियम कर देंगे, और इसको हम अच्छे से भूजेंगे। और याद रखने का, हमने इसमें बेसन डाला है इसलिए हमें अच्छे से इसको भूजने का है। और इसको हम अच्छे से चलाते चलाते भूजेंगे। और आपको लगे कि लग रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी डाल के भूज सकते हैं। मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा पानी डालना चाहिए। क्योंकि बेसन अच्छे से नहीं भूजा रहेगा तो कच्चा लगेगा खाने में। और इसी के साथ हम कुछ मसाले भी डालेंगे। हल्दी, हल्दी बहुत ज़रा सी डालेंगे क्योंकि हरापन अच्छा लगता है। और ये लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर जो है आप अपने टेस्ट अनुसार डालिए, क्योंकि हम हरी मिर्च का भी उपयोग किए हैं। और 1 बड़ी चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। और अब इनको हम अच्छे से सारे मसालों के साथ इसको भी भूज लेंगे। और ये चारों तरफ से जब तक तेल नहीं छोड़ता है तब तक हम इसको भूजेंगे। और देखिए थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया, उसके बाद ये अपने आप ही जो है, क्योंकि मूंगफली भी है, तिल भी है, तो तेल तो सब में से छूटेगा, लेकिन शुरू में लगता है कि कढ़ाई में लगेगा। इसको अब हम अच्छे से अभी और भूजेंगे। कितना बढ़िया तेल छूट रहा है ये देखिए। बस थोड़ी देर और भूज लेंगे। और ये देखिए हमारा मसाला हो गया है। और ये देखिए कितना बढ़िया तेल छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से भुज गया है।
अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कितना बढ़िया है चारों तरफ से। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये पानी हमने वो पानी यूज़ किया है, आज हमने पनीर बनाया है तो पनीर का जो पानी निकला उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको रखी रहती हूँ। तो जहाँ भी डालने की ज़रूरत पड़ती है उसमें डाल देंगे, या पराठा बनाना हो, रोटी बनाना हो तो उससे सान लेंगे। तो वही पानी मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ। और ये जब खौलने लगेगा तब हम इसमें पालक डालेंगे। और अब ये खोलना शुरू हो गया है, अब यहाँ पे हम पालक डाल देंगे। इसको धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पालक डालेंगे। तो पालक तो अभी 2 मिनट में सब गल जानी है। और इसको हम ढक देंगे। इसको 5 मिनट तक ऐसे ढका रहने देते हैं। और इसको अब हम 2-3 बार ऐसे चला लेंगे। इसको 2-3 बार ऐसे हम ढक के खुल के चलाएंगे। और पालक भी है वो भी अपना पानी छोड़ता है और गल जाएगी। बस 2-3 मिनट और पकाएंगे, हमारी सब्जी हो चली है। और हाँ, प्लीज़ अभी तक जिसने भी न्यू लोग हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कैसी लग रही है। तो हमें भी अच्छा लगता है रेसिपी बनाने में। और ये हमने 2 चम्मच मलाई घर की ली है, उसको अच्छे से फेंट कर उसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये हमारे घर का हमने बताया था ना पनीर बनाया है, उसके छोटे छोटे पीस करके ये हम डाल देंगे यहाँ पे। ये ऑप्शनल है, डालना है नहीं डालने पर अच्छा लगता है। ये झटपट बनने वाली सब्जी है, हम इसमें ग्रेवी कोई भी चक्कर में नहीं पड़े। आप चाहे तो बॉईल करके बना सकते हैं, पर ये हमारा क्या ना झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसको हम 2-3 मिनट पकने देते हैं। और अब ये बन गई है हमारी रेसिपी, इसको हम हटा देते हैं। और हम इसको बघार करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा बटर लेंगे। ये इसको हम गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। अब जैसे ही बटर पिघलेगा इसमें हम छोटे छोटे लहसुन कटे हुए डाल देंगे।
और लहसुन ला लोगे, इसमें दो लाल मिर्च टुकड़े करके डाल दिए हैं और साथ में थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और अब गैस बंद कर देते हैं। तड़का हमारा तैयार है, अब इसको हम गैस बंद कर देंगे और ये तड़का इसके ऊपर हम या बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है रेसिपी। थैंक यू।